कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। तो दोस्तों लेक्चर 3 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आज हम काफी सारी नई नई बातें सीखने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये पूरा का पूरा लेक्चर बड़ा एंजॉय करेंगे और बड़ी सारी नॉलेज गेन करके लेके जाएंगे और अपने आने वाले दिनों में ये नॉलेज को यूज करके आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी लाइफ यूज कर सकते हैं और इसमें चेंजेस वेंजेस इतनी ज्यादा कुछ नहीं आती। जैसे कंपनी एक्ट 2013 चेंज हो गया या कुछ और लॉज चेंज हो गए, क्योंकि लॉ के ऊपर बना ही नहीं है, ये लॉ के ऊपर नहीं बना, ये जनरल बेसिक कंसेप्ट्स पे बना हुआ है। तो इसलिए ये नॉलेज आप लाइफ लॉन्ग आगे तक यूज कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपके सामने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इसमें जनरली 3-4 से 5 क्लासेस लगते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कोई बात ही नहीं है। हम लेक्चर 3 में अभी कुछ काम हमारा लेक्चर 3 का, लेक्चर 2 का बाकी है, आज वो करेंगे, फिर लेक्चर 3 करेंगे, थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक क्लास भले ज्यादा लग जाए लेकिन आपको समझ आना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, मैं अभी होमवर्क में देखता हूँ, अभी 1-2 मिनट में मैं आपको होमवर्क देखूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए नहीं किए। लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि आप सभी एक थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन मैं जो चाहता हूँ आप एक बार उसको पढ़ना शुरू करेंगे। आप सब अपनी बुक्स को खोल लीजिएगा, बुक्स को खोलिएगा, लेक्चर 3 की तैयारी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम टॉपिक कर रहे हैं और आपके लाइफ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर एक बार 12th में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्रीशियस इस समय हम कर रहे हैं, आपके कौन से सोर्सेस हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करने के। तो 1 मिनट लगाकर 1-2 लाइनें तो पढ़ डालिए कि मैंने लिखा क्या हुआ है। वर्किंग कैपिटल कैन बी फाइनेंस थ्रू, अंडरलाइन कीजिएगा, वर्किंग कैपिटल कैन बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म / शॉर्ट टर्म / स्पॉन्टेनियस सोर्सेस, अलग अलग तरह की सोर्सेस से आप इसका फाइनेंस कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मुख्य तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है हमें उसको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पहला स्टेप तो यही है जी, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और दोस्तों स्टेप नंबर टू है जो आज अभी हम शुरू कर रहे हैं, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो आज हम ये 2 स्टेप की बातें करने वाले हैं। पहला स्टेप है कि हमें कितने पैसे चाहिए, और दूसरा स्टेप है वो पैसे कहां से आएंगे, और वो पैसे आने के लिए हमें देखना है कि फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहां कहां से होती है। और मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि अगर आपको फंड्स वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस करानी है तो आप अलग अलग सोर्सेज से करा सकते हैं, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से, स्पॉन्टेनियस से, अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से आप पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, नेक्स्ट पेज नंबर 14 में आए और वहां देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मैंने एक फोटो बनाई है कि भाई लॉन्ग टर्म सोर्सेज ये वाले हैं, अगर आपको पैसे लेने हो तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ये हैं, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ये वाले हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, 1 इज लॉन्ग टर्म एंड 2nd इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में मैंने लिखा है आप इक्विटी से आप फाइनेंस ले सकते हैं, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड से फाइनेंस ले सकते हैं, ओनर्स फंड का मतलब होता है इक्विटीज इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस से पैसे ले सकते हैं। और इसी तरह से
मैंने इसकी दूसरी सोर्स लिखी है बोरोवर्स फंड। आपको वर्किंग कैपिटल के पैसे चाहिए हो तो आप बोरो भी कर सकते हैं, और बोरो करने के लिए मैंने लिखा है डिबेंचर्स लोन्स ले सकते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग सोर्सेज दिए हुए हैं, आपके सामने वो फोटो बनी हुई है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में मैंने तीन सोर्सेज लिखे हैं, और मैं चाहता हूं आपका ध्यान ज्यादा मैं उसमें चाह रहा हूं कि बैंक क्रेडिट में आ जाए। जरा अंडरलाइन कर दीजिएगा, बैंक क्रेडिट आपको दिख रहा होगा उस डायग्राम में, शॉर्ट टर्म में आपको बैंक क्रेडिट दिख रहा होगा, आप जरा बैंक क्रेडिट सोर्स में आ जाएं कि आप बैंक से भी क्रेडिट ले सकते हैं। अच्छा, बैंक से क्रेडिट लेने के तीन चार रास्ते हैं, लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, बिल्स को डिस्काउंट भी करा सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप तीन चीजें कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं बैंक से। जैसे मैंने कहा फर्स्ट इज आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सबसे एक बात पूछूंगा कि आज अगर हमें या आपको आने वाले दिनों में आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, अपनी इंडस्ट्री शुरू करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, अभी आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे और पढ़ने के लिए, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको इन सभी के लिए फंड्स की जरूरत होगी, बिना फंड्स के तो काम चलेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, जब भी मैं कहता हूं आपको फंड्स की जरूरत होगी, क्या लगता है जी, एक न्यूली स्टार्टेड कंपनी, एक न्यू सेटअप, या आप जब नई प्रैक्टिस अपनी शुरू करेंगे, या आपको पैसों की जरूरत होगी, आपको गाड़ी लेनी होगी, आपको कुछ भी चाहिए होगा, तो आपके माइंड में सबसे पहले किसकी पिक्चर आएगी, कहां से लें? मुझे लगता है हमारे पास सबसे पहले एक ही पिक्चर आएगी कि हम किसी बैंक से लोन ले लेते हैं। जैसे आपको गाड़ी लेनी है तो कार का लोन मिलता है, अच्छा आपको पढ़ाई करनी है तो एजुकेशनल लोन मिलता है, एजुकेशन का लोन मिलता है। अच्छा आपको पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको मान के चलिए आपको फॉरेन कंट्री में जाना तो उसका भी अलग से लोन मिलता है। इसी तरह से अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपको वर्किंग कैपिटल का लोन भी मिलता है। इसका मतलब आप इस दुनिया में किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन मिलता है, मैरिज का लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, हाउसिंग लोन मिलता है, आपने नाम सुने होंगे अलग अलग कंपनीज के, ये अलग अलग चीजें। लेकिन कहीं से भी आप पैसे लेते हैं तो एक बात आपका माइंड में हर बार आती है कि हम किसी बैंक से ले लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी को या किसी भी कंपनी को, मैंने तो ऐसी नाम यूज कर दिया न्यूली फॉर्म्ड, आप किसी भी कंपनी की बात करें, अगर उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट आपने पहले दो लेक्चर्स में निकाली है, लेक्चर वन में निकाली, लेक्चर टू में निकाली, कि इतने रुपए चाहिए, एक्स रुपीज चाहिए, वाई रुपीज चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतने थाउजेंड चाहिए, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जो भी पैसों की जरूरत होती है जनरली लोग क्या करते हैं, बैंक से वर्किंग कैपिटल का लोन ले लेते हैं। तो हम उसको आज यही पढ़ने जा रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएं, थ्योरी में, पहले थ्योरी एक छोटी सी कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MPBF? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है MPBF, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस प्रेजेंटली कंप्यूटेड। ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि MPBF क्या होता है, मुझे भी नहीं पता MPBF क्या होता है, वो तो नीचे आंसर में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं एक दो लाइंस जरा नीचे पढ़ लें कि MPBF का मतलब है क्या, तो मैं सारी बातों को मिक्स करके फिर आपके सामने रख दूंगा। MPBF मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस MPBF। अभी मुझे नहीं पता क्या होता है, आपको नीचे मैंने कहा जी एक बार नोट पढ़ लीजिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मुझे इतना बता दीजिए कि हमारी इंडिया में जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, 1947 में,
और आज ईयर आ गया 2015। देखिए जी कितने वर्ष बीत गए, कितनी दुनिया बीत गई। आज भी मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पैसों की जरूरत है तो आप कहते हैं जी आज भी बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। वैसे तो इसके अलावा भी बड़े सारे सोर्सेज हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आपको मालूम है अगर हम ज्यादा बैंक के ऊपर डिपेंड करेंगे और बैंक से वर्किंग कैपिटल का लोन ले लेंगे तो होगा क्या? कोई बता सकता है कि अगर मैं ज्यादा लोन बैंक से लेना शुरू कर दूंगा तो सभी कंपनीज बैंक से लेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? बैंक का जो पैसा है वो ज्यादातर ब्लॉक किसमें हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल एक कंपनी की बड़ी शॉर्ट टर्म नीड है, लॉन्ग टर्म तो है भी नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म नीड है। अच्छा, अगर आपको लॉन्ग टर्म नीड चाहिए तब तो बात समझ आती है, बैंक के पास जाओ। एक छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी आप अगर बैंक के पास जाएंगे तो आप मुझे बताइए ये कहां तक बात ठीक है? क्योंकि बैंक का ये जो पैसा है ना जी, आप ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरत हो या जिन लोगों को ज्यादा पैसों की जरूरत हो या अच्छी नीड हो तब तो बैंक को दे देना चाहिए। अब आप छोटी छोटी कारणों के लिए भी बैंक के पास जा रहे हैं, ऐसी बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट की। और पिछले कई वर्षों तक ऐसा हो रहा था, बैंक लोन दे रहे थे लेकिन उस लोन का एक्चुअल यूज क्या होता था पता नहीं चलता था। आपने सुना होगा कि बैंक किसानों को लोन देता है और कई बार फसल ठीक ना हो और वो किसान लोन ना पे कर पाए तो वो किसान बेचारे सुसाइड तक कर लेते हैं, ये सुना होगा कभी आपने? अच्छा, हर बार जब भी फाइनेंस का बजट आता है तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, जिन भी किसानों ने बैंक से लोन लिया हुआ है उनके वो लोन जनरली कई बार माफ ही करवा देते हैं। और आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर ये बात बोलते हैं उन बैंक्स को कि हम आपको वो पैसे देंगे, आप उन किसानों से मत लो। अच्छा, हमारे देश में जो मेन जरूरत है इस समय रूरल एरिया को डेवलप करने की है। अगर मेरे देश में ज्यादा रूरल एरियाज रहेंगे, ज्यादा पिछड़े इलाके रहेंगे, ज्यादा लोग क्लाइमेट में डिपेंड करेंगे तो मुझे बताइए मेरा देश कभी भी ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। हम जितनी मर्जी डिजिटल इंडिया की बातें करें, हम जितनी मर्जी डिजिटाइज इंडिया की बातें करें, हम जितने मर्जी व्हाट्सएप इंटरनेट की बातें करें, अगर मैं वो टायर 3 और टायर 2 और नीचे वाली सिटीज पे ध्यान नहीं दूंगा, अभी भी कितने ऐसे शहर हैं, कितने गांव हैं जहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा, वो पानी गंदा पी रहे हैं, बीमार हो जाते हैं। अच्छा, ये बताओ जिस देश में ज्यादा लोग बीमार होते होंगे क्या वो देश कभी तरक्की कर सकता है क्या? अब डेंगू ज्यादा हो रहा है बताइए, अब ज्यादातर फैमिली उसी में लगी रहेंगी, उसी में खर्च होगा तो ज्यादा कुछ नया काम कर ही नहीं पाएंगे। एक देश की तरक्की के पीछे उसका स्वस्थ होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां पर आपने देखा होगा कि अभी तक गांव में एग्रीकल्चर में सीड्स को लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स को लेने के लिए, ट्रैक्टर को लेने के लिए किसानों के पास पैसे नहीं है। और वो किसान बेचारे क्या करते हैं मुनीम से लोन ले लेते हैं, और वो मुनीम बहुत ही घटिया किस्म का होता है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन की मूवीज देखी होंगी, उसने लिया होगा 5,000 लिख देगा 50,000, वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, अंगूठा लगा देते हैं और जमीनों तक उनकी निकल जाती है सूत सूत में। यहां से आपने बड़ी सारी मूवीज देखी होंगी, बचपन में तो देखी होंगी। बताइए ऐसे देश में कभी क्या ग्रो हो सकता है क्या? बहुत वर्ष लग जाएंगे जी ग्रो होने में। इस बात को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ध्यान रखा और एक बात यह कह दी कि बैंक्स को अब क्या करना चाहिए, ज्यादातर किस पे ध्यान देना चाहिए? हमारे देश के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब क्या, हमारे देश में जो प्राइमरी सेक्टर है, हमारे देश में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पैसा उनको देना चाहिए, उनको लोन दो जिससे कि एग्रीकल्चरिस्ट एक स्ट्रांग बन जाए और अल्टीमेटली मेरी कंट्री ग्रो करे। अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे देंगे, वो पैसे अगर आप नहीं भी देते हैं तो वो वैसे खुद भी अरेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि जरूरत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेफरेंस वन क्या है, आपको उन एग्रीकल्चरिस्ट की मदद करनी है। इस विचारधारा को दिमाग में रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए कुछ लिमिट्स बना दी कि भाई आप इससे ज्यादा, एक बैंक को कह दिया कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं दोगे वर्किंग कैपिटल का इन लोगों को, और आप अपने पैसे कहां ज्यादा इन्वेस्ट करो, कहां पे ज्यादा लोन दो, प्राइमरी सेक्टर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? आप मुझे बताइए, आप सोच रहे होंगे कि
बैंक के पास अनलिमिटेड फंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लिमिटेड होते हैं। किसके पास अनलिमिटेड होते हैं? और आप सोच रहे होंगे कि आप अलग से करेंसी नोट प्रिंट करा दो, 500 की जगह 5000 का नोट प्रिंट करा दो, उससे भी कुछ नहीं होने वाला, उससे और महंगाई बढ़ जाएगी। हम मनी की जो प्रिंटिंग है गोल्ड की कुछ लेवल तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हम ज्यादा नोट्स प्रिंट कर देंगे तो हमारी और इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाएगा। तो जितनी जीडीपी होती है, जितनी नेशनल इनकम होती है, जितना गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, जितने फॉरेक्स के रिजर्व्स होते हैं, हमें उसी लेवल पे प्रिंट कर सकते हैं करेंसी, उससे ज्यादा नहीं। अब आप ये बताइए, आपकी जेब में पैसे हैं, आपको भूख लगी हुई है, आप पहले पेस्ट्री खाएंगे या चावल और दाल खाएंगे? आप बताइए मुझे, आपकी जेब में पैसे हैं और आपने अभी भूख लगी हुई है, पहले दावल चावल खाएंगे या पेस्ट्री या चॉकलेट खाएंगे? पहले चावल दावल खाएंगे, पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद पैसे बचते हैं तो लग्जोरियस गुड्स में जाएंगे। बिल्कुल यही बात रखी आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा कि पहले बैंक को एग्रीकल्चरिस को लोन देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और इन लोगों को जिनको तुम दे रहे हो उनको नहीं दो। अब ऐसा था कि वो पहले से लोन तो दे ही रहे थे, तो उनको धीरे धीरे उनकी लिमिट्स बना दी। लिमिट्स क्या बनाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कमेटीज बनाई और उस एक कमेटी में एक कमेटी का की बात को मान लिया गया और उस कमेटी का नाम रख दिया गया। उस कमेटी का जो नाम था ही पीएल टंडन। अब इस कमेटी में क्या होता है जी, एक ना चेयरमैन होता है, उसके ऑड मेंबर्स होते हैं। इस चेयरमैन का नाम था पीएल टंडन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो होता है उसको बना देते चेयरमैन, भैया तू काम कर चल। अब होगा क्या, इस टंडन साहब ने, इसके अलावा और भी बड़ी सारी कमेटीज बनी, चोरे कमेटी बनी, जिलानी कमेटी बनी, वगैरह वगैरह बहुत बनी, लेकिन आरबीआई ने इस कमेटी की बात को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो आज एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को अब ये बातें समझनी है कि भाई ये जो कमेटी है ये कहना क्या चाहती है और इस कमेटी के कितने मेथड्स हैं, तो मुझे आज वही बात बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी कमेटी की बात जब एक्सेप्ट की तो टंडन साहब ने कहा आज से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, इसको हम कहते हैं MPBF। ये वर्ड टंडन साहब ने दिया। इन्होंने कहा जी इसको देने के तीन मेथड्स अडॉप्ट करो। 1974 से लेकर 1990 तक ये वाला मेथड चलेगा, 1991 से लेकर 2000 तक ये वाला मेथड चलेगा, और 2001 से लेकर अभी तक तो यही चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन 2015 में भी यही वाला मेथड चल रहा है। तो तीन मेथड्स का आगमन हुआ, मैंने नहीं किया, आरबीआई ने भी नहीं किया, किस व्यक्ति ने किया, टंडन साहब की कमेटी ने किया। अब ये जो तीन मेथड्स हैं, इनका नाम रख दिया गया मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर। तो दोस्तों तीन मेथड्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बस और 2-3 मिनट की कहानी रह गई है। मैंने आपके माइंड में एक विचार डाल दिया है कि बैंक को मेन ज्यादा पैसे कहां देने चाहिए, ये बात मैं डाल दूंगा आपके दिमाग। तो अब आप बताइए, अगर एक कंपनी के पास करंट एसेट्स 5 लाख रुपए के हैं, मान रहे हैं करंट लाइबिलिटीज 3 लाख रुपए की है, ऐसा मैं मान रहा हूं, अगर टंडन कमेटी नहीं थी तो 2 लाख रुपए की नेट वर्किंग कैपिटल थी और लोन भी सब जाकर 2 लाख रुपए का ले ही लेते थे और अपनी जान पहचान से काम कर लेते थे, लेकिन टंडन कमेटी जब से आई तो उन्होंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट लेकर आओ, रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इफेक्ट होगा। इसका मतलब अगर किसी ने पहले से लोन लिया भी हुआ है तो उसको लोन वापस करना पड़ेगा। तो 1974 से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट शुरू हो गई, जबकि इसकी रूलिंग आई थी 1985 के आसपास। तो 1974 से जिन्होंने लोन लिया था उनको रिवर्स करना पड़ा। तो पहला मेथड क्या है जरा देखते हैं, आपने लिखना कुछ नहीं है। मेथड नंबर 1 जो है ये बड़ा ही लिबरल मेथड है जी, लिबरल। फिर मेथड नंबर 2 आया और मेथड नंबर 2 मॉडरेट मेथड बन गया, और मेथड नंबर 3 आजकल मेरी इंडिया में एप्लीकेबल है, इसको कहते हैं टाइट मेथड है। जरा चेक करते हैं लिबरल मेथड है क्या, लिबरल मॉडरेट एंड टाइट। तो पहले मेथड में टंडन साहब ने कहा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कैन बी एमपीबीएफ।
मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस जो 1974 से 1990 तक रहा, 1990, 1990, मैं ये कहता हूं, आप ये बताइए, अगर यही एग्जांपल हूं मैं, करंट एसेट्स 5 लाख रुपए के हैं और करंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपए की है, तो बताइए एमपीबीएफ के हिसाब से एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को कितना लोन वर्क कैपिटल के नाम से दे सकता है, जरा सोच के बताएं, है जी? 1,50,000 रुपए दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर आप वर्किंग कैपिटल के इससे पहले देखें तो 2 लाख रुपए दे सकता था, अब पहले तो 2 लाख ही दे रहे थे, लेकिन आदत किसी की चेंज करनी हो तो एकदम तो बंद नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, पहले इस मेथड को अडॉप्ट किया, धीरे धीरे जब लोगों को आदत पड़ने लग गई तो मेथड नंबर 2 शुरू हो गया, 1991 से 2000 तक ये वाला मेथड चला। इसमें टंडन साहब ने कहा 75% आप पहले करंट एसेट का निकाल लो और फिर माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज। अब एक बच्चा सोच रहा है पहला मेथड और दूसरा मेथड सेम है, नहीं, वो बेवकूफ है, मैंने पहले ब्रैकेट डाल दिया, बॉर्ड मास का इस्तेमाल किया, चौथी क्लास में अलजेब्रा किया आपने। अब आप बताइए अगर इस मेथड को अडॉप्ट किया जाए तो पहले 5 लाख का 75% निकालेंगे और माइनस 3 लाख रुपए कर देंगे, जरा बताइए कितना आ गया जी, 1,75,25, 1,25,000, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, 1,25 आ गया, जरा चेक कर लीजिए। पहले आप 5 लाख का 75% निकालेंगे और फिर पूरी करंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे। सवाल यह आता है कि करंट लायबिलिटीज लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी आपको क्रेडिट मिल ही रहा है, या आप दे थोड़ी रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो रही है करंट लायबिलिटीज में। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप में से किसी बच्चे का मोबाइल फोन ऑन है, बंद कर दीजिए उसको, जल्दी करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, समय खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग। आगे चल रहे हैं मेथड थ्री, तो बड़ा ही कमाल का मेथड था जी। मैं मेथड थ्री के लिए चाहता हूं कि आ सभी पहले क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए, थ्योरी में पेज नंबर, नई बुक पेज नंबर 14 में आएंगे, जल्दी से पेज 14, क्वेश्चन 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, आपको यहां पर यह बताना है व्हाट इज, ये क्वेश्चन है, या मैं कहता हूं इसकी जगह ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट करंट एसेट्स एंड टेम्परेरी करंट एसेट्स, परमानेंट करंट एसेट्स और टेम्परेरी करंट एसेट्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है जी, एक बार पढ़िए, मैंने कुछ लिखा हुआ है वहां पर, क्योंकि इसका डिफरेंस समझ आएगा तभी आपको मेथड नंबर 3 समझ आ सकता है। मेथड थ्री चेक कर लीजिए, एक बार मोबाइल फोन चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबके पास मोबाइल फोन है ही, एक बार चेक कर लो, आपने ऑन रखे हुए, किसी ना किसी का तो ऑन है, कर लीजिए चेक, मैं इधर देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बंद कर लो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, परमानेंट करंट एसेट्स एंड टेम्परेरी करंट एसेट्स को देख रहे हैं समय, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में हमारे यहां पर दिल्ली में आपको बताइए हर जगह दिवाली के दिनों में सब के सब क्या करते हैं, हलवाई क्या करते हैं पता आपको, हलवाई क्या करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं। अच्छा वैसे मिठाइयां तो वैसे भी बनाते रहते हैं वो, लेकिन दीपावली के दिनों में अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। हल्दीराम के यहां जाएं आज तो मिठाई बनी होगी, उसने दिवाली के लिए नहीं बनाई हुई, आजकल में जो कंज्यूम होगी उसके लिए बनाई है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं यहां पर टाइम रख दूं और यहां पर मैं करंट एसेट्स रख दूं वाई एक्सिस में, तो हल्दीराम की अगर मैं बनाना शुरू करूं करंट एसेट्स को, तो कुछ इस तरह से करंट एसेट्स की एक लाइन खिंचेगी। कैसे, मतलब करंट एसेट कुछ तो चाहिए बेसिक, और धीरे धीरे लाइफ में ग्रोथ होती रहती है
और इनके करंट एसेट की जरूरत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहती है, इंक्रीज रहती है। लेकिन मुझे बताइए कि कुछ वर्किंग कैपिटल इनको कभी कभी ज्यादा भी चाहिए होती है, करंट एसेट्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दिवाली के दिनों में अगर आप ध्यान से देखें तो इनको ज्यादा खोया खरीदना है, ज्यादा मिल्क परचेज करना है, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स परचेज करने हैं, या जिससे भी मिठाइयां बनती होगी इनको ज्यादा चाहिए होती होगी। तो मैं कह सकता हूं कि दो तरह के करंट एसेट्स होते हैं, एक परमानेंट करंट एसेट्स होते हैं और एक क्या होते हैं, टेम्परेरी करंट एसेट्स। बताइए जी परमानेंट कौन से होते हैं, जो हमेशा हर समय चाहिए। मैंने उसको सीधा क्यों नहीं बनाया, कौन सा बच्चा बताएगा कि मैंने उसको ऐसे क्यों नहीं बनाया, मैंने उसको ऐसे क्यों बना दिया, सोचिए सोचिए। क्योंकि कांस्टेंट करंट एसेट होनी चाहिए, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी गोइंग कंसर्न में, उनकी नीड भी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। अच्छा, और टेम्परेरी ऊपर डांस करने वाले क्यों बनाए, क्योंकि ये तो कभी कभी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स ही चाहिए। अच्छा आप बताओ, अगर आप किसी बैंक के पास जाओ और आप अपनी बात करो, आप ये बताओ आप बैंक हो और आपकी ऑब्जेक्टिव है कि आप कम से कम पैसे उसको लोन में दो वर्किंग कैपिटल के, तो आप कौन से करंट एसेट को फाइनेंस करना पसंद करोगे, परमानेंट करंट एसेट्स या टेम्परेरी करंट एसेट्स? मेरा सवाल सबको समझ आ गया, आप बैंक हैं, आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपके पैसे कम से कम ब्लॉक हो जाएं वर्किंग कैपिटल के लोन में, क्योंकि आप एग्रीकल्चरर्स को पैसा देना चाहते हैं, फिर भी चलो ये मदद तो करनी है, तो आपकी आप मदद परमानेंट करंट एसेट को फाइनेंस करने में देंगे या टेम्परेरी करंट एसेट को फाइनेंस करने में लगाएंगे? क्योंकि अगर परमानेंट में लगा दिए तो आपका पैसा तो हमेशा के लिए फिर ब्लॉक हो गया। इसका मतलब मेथड थ्री में टंडन साहब ने यही बात रखी और एक बात कह दी, एमपीबीएफ थ्री में 75% ऑफ करंट एसेट्स में से परमानेंट करंट एसेट्स लेस कर दो। अब आप ये बताइए, अगर मैं टोटल करंट एसेट्स में से परमानेंट करंट एसेट्स लेस कर दूं तो बैलेंस तो ये टेम्परेरी करंट एसेट ही बचा, इसका 75% माइनस करंट लायबिलिटीज, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। परमानेंट करंट एसेट का नाम हार्ड कोर करंट एसेट्स भी बोला गया है, परमानेंट करंट एसेट्स का नाम हार्ड कोर करंट एसेट्स भी कहा गया है, इसमें कोई शक तो नहीं है। इसका मतलब तीन मेथड्स आपको समझने हैं। मैंने कहा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है एस्टीमेट करना और दूसरा स्टेप है उसको फाइनेंस करना। फाइनेंस करने के लिए हमें टंडन साहब लगाने हैं और टंडन साहब के तीन मेथड्स होते हैं। क्या लगता है ये तीनों मेथड याद हो गए आपको? अच्छा, अभी जरा देखते हैं एक मिनट के लिए कि आप कितनी जल्दी इन तीनों मेथड को लिख पाते हैं। जरा बताइए कितने कंसेप्ट लिख चुके हैं आप, जल्दी से बता दीजिएगा, है जी जल्दी से लिखना है आप। एक छोटा सा कंसेप्ट आज लिखने का काम ज्यादा है ही नहीं, लिखिए फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, 16 के बाद 17th, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जल्दी से लिख देंगे। मैंने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं, आप उन विचारों को माइंड में रखते हुए कंसेप्ट नंबर 17 फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को लिखिए। मैंने कहा वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में दो स्टेप्स होते हैं, एक एस्टीमेशन करना और एक फाइनेंस करना। और जैसे आपने अभी अभी अब हमने चर्चा की थी कि हम ज्यादातर बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी वर्किंग कैपिटल के लोन के लिए,
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कमियां पाई और उसके बाद उन्होंने कमेटीज बना दी, ह्यूज बैड डेट्स होने लग गए, बैंक्स के ऊपर लोगों की डिपेंडेंस बढ़ गई और उस समय कोई क्रेडिट नॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। ड्यू टू विच आरबीआई फॉर्मुलेटेड डिफरेंट कमेटीज, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कमेटीज बनाई, उसमें तीन चार कमेटीज के नाम लिखे थे लेकिन टंडन कमेटी की बात को माना गया, तो आपको टंडन कमेटी ने जो जो बोला वो समझना है। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस लिख दिया जी सभी ने? चलिए जी, तीनों मेथड जल्दी से लिख देंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरह तैयारी करेंगे। एमपीबीएफ टंडन कमेटी मेथड वन, मेथड टू और मेथड थ्री। मेथड वन, मेथड टू एंड मेथड थ्री। मेथड वन को हम जनरली लिबरल मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें अभी हम ब्रैकेट बाहर लगा रहे हैं। हाँ ठीक कर लिए, मैं वही देख रहा था कि कोई पूछता है नहीं पूछता। ठीक करेंगे, सेकंड मेथड में ब्रैकेट को करंट एसेट्स में लगाएंगे। सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ करंट एसेट्स मैंने ठीक कर दिया है, माइनस करंट लायबिलिटीज। और मेथड थ्री है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस हार्ड कोर करंट एसेट्स। लॉजिक आपको मैंने समझा दिया, ठीक है जी। क्या आपने तीनों मेथड लिख लिए?
ये वाली फोटो आपको पता ही है, फोटो वाली शॉर्ट नोट तो मिल जाएगी, ये बनानी बहुत जरूरी है, आपको पता ही है, ठीक है जी। तो अभी अभी बस अभी पहले इसको करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो मैं चाहता हूं आप सभी अगर लॉजिक समझ चुके हो तो आपकी जो भी डाउट्स हो, मैं भी डाउट्स लेने वाला हूं, लेकिन आप सभी पहले क्या करें, एक क्वेश्चन नंबर में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7th में आ जाएं जी सभी। क्वेश्चन नंबर 7th, कंप्यूट द मैक्सिमम बैंक परमिसेबल फाइनेंस या बोरोइंग्स कुछ भी एज पर मेथड 1, 2 एंड 3 एज पर टंडन कमेटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखें, नीचे मैंने लिखा है आपकी स्टडी में भी है और सीएमए की स्टडी में भी है क्वेश्चन सेम, और पेपर में बहुत बार आ चुका है। करंट लाइबिलिटीज अगर आप देखें तो लिखा हुआ क्रेडिट फॉर परचेजेस अदर करंट लाइबिलिटीज, ये जो करंट लाइबिलिटी ऊपर लिखी हुई है 600, ये मैं करंट लाइबिलिटी को भी डिवाइड कर सकता हूं, ये करंट लाइबिलिटी होगी ट्रेड क्रेडिट की, मतलब आपने ट्रेड से क्रेडिट करंट लाइबिलिटी लिया। और नीचे जो लिखा हुआ है मैं उसको भी डिवाइड कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं बैंक क्रेडिट, अगर आप ध्यान से देखें तो है तो दोनों ही करंट लाइबिलिटीज। बैंक क्रेडिट में आपने बैंक की बोरोइंग्स की हुई है और बिल्स को डिस्काउंट किया हुआ है, बैंक्स की बोरोइंग्स हैं और बिल्स को डिस्काउंट किया है, बोलो हाँ या ना तो बोल दो। अच्छा, उसके बाद एसेट साइड में देखिए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, रिसीवेबल्स, फिनिश गुड्स, अदर करंट एसेट्स और टोटल किया हुआ, नीचे लिखा हुआ है अज्यूम हार्ड कोर करंट एसेट्स एज रुपीज 380 लाख्स, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बात निकालनी है, क्या निकालनी है कि एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा MPBF कितना ले सकती है एज पर मेथड 1, करना नहीं है अभी, पहले सुनिएगा। ऐसा होता है कि MPBF की जो अमेंडमेंट आई थी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, पिछले ईयर से लागू हो गई, तो लोगों ने तो लोन पहले से लिया हुआ था, तो जिन्होंने पहले से लोन लिया हुआ था उनका जो एग्जिस्टिंग बैंक लोन था या एग्जिस्टिंग बैंक क्रेडिट था उसको कंपेयर किया गया, किससे कंपेयर किया, MPBF से। मान लेते हैं कि उनका एग्जिस्टिंग लोन था 100 लाख का और होना चाहिए था 80 लाख, तो बताइए फिर क्या होगा, तो 20 लाख रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे, रीपे करने पड़ेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब जब आप ये जो 80 लाख का MPBF निकालेंगे इस समय आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस करेंगे, लेकिन इस करंट लायबिलिटी में खाली ट्रेड क्रेडिट होना चाहिए, बैंक क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर बैंक क्रेडिट भी होगा तो एक्चुअली आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक सेकंड, आइए क्वेश्चन नंबर 7th में पहले हेडिंग लिख दें, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ MPBF, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ MPBF मेथड नंबर 1, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बोलिए ये बात ठीक है या नहीं, ठीक है। अब आप ये बताइएगा मेरे को कि 75% में करंट एसेट्स तो ठीक है 1480 ले रहा हूं, लेकिन करंट लायबिलिटीज में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एक्सक्लूडिंग बैंक क्रेडिट, अगर आप फॉर्मूले में ठीक करना चाहें तो फॉर्मूले में भी ठीक कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एग्जिस्टिंग बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट जो एग्जिस्टिंग है उसको कंसिडर नहीं करना क्योंकि उसको तो कंपेयर ही कर रहे हैं। तो यहां पर बताइए जी, मैं लिखूंगा माइनस 600,
ध्यान से देखिए 600 कहां से आ गया, खाली ट्रेड क्रेडिट को मैंने माइनस किया है, बैंक क्रेडिट को मैंने माइनस नहीं किया। जरा मुझे बताइए फिगर कितनी आ रही है, 800 की ये फिगर कितनी आ रही है, 660 लाख। सब बच्चे कर लें कैलकुलेटर से प्लीज। एज पर मेथड वन ये कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ₹660 लाख ही लोन ले सकती है। क्या यह बात सबको समझ आ रही है? लेकिन इसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में कितना लोन लिया हुआ है, 880। तो यहां लिखेंगे MPBF इज 660 एंड एग्जिस्टिंग बैंक क्रेडिट इज 880। सो बैंक क्रेडिट टू बी रीपेड, अभी रीपे करना पड़ेगा जी, बैंक क्रेडिट टू बी रीपेड बताइए जी कितना, 220 लाख, 220 लाख अभी रीपे करना है। चलिए शुरू कर दीजिए, जिन बच्चों को मेथड वन समझ आ गया है मेथड टू शुरू कर दीजिए, कि मेथड टू में हम क्या करने वाले हैं इसको समझ लीजिए। मेथड टू में 75% ऑफ करंट एसेट्स कर लेंगे और माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे। आइए जी, 75% ऑफ करंट एसेट्स कितने हैं, 1480 माइनस करंट लायबिलिटीज 600। इसमें भी करंट लायबिलिटीज ट्रेड क्रेडिट की लेनी है, बैंक क्रेडिट की नहीं लेंगे क्योंकि उसको कंपेयर करना है। चलिए बताइए MPBF कितना आ गया, 5। नीचे आंसर दिए हुए मैंने वैसे सबके, चेक करिए 510 लाख रुपए का आंसर आ गया जी। इसका मतलब अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट टू बी रीपेड, रीपे कितना करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट टू बी रीपेड 880 लिया हुआ है, 510 आप ले सकते थे, लिया है ले सकते थे। चलिए जी रीपे बताइए कितना करें, रीपे कितना करें, 370 लाख रुपए रीपे करेंगे। मेथड टू भी कर लिया जी। अच्छा, मेथड थ्री तभी कर सकते हैं जब आपको हार्डकोर करंट एसेट्स बताओ। चलिए तो हम आ रहे हैं मेथड थ्री की तरफ। मेथड थ्री तो मैंने लिख भी दिया जी, मेथड थ्री में MPBF इज इक्वल टू 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस परमानेंट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 75% ऑफ करंट एसेट्स कितने हैं जी, 1480 माइनस परमानेंट करंट एसेट्स कितने हैं जी, 380 माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है जी,
ये लो, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। तो यहां लिख दीजिए 225 लाख MPBF 225 लाख। तो चलिए जी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ लोन टू बी रीपेड, रीपेड बताइए जी, अमाउंट ऑफ लोन टू बी रीपेड 80 माइनस 225 कितना आ गया जी, 6, लो जी 655 लाख रुपीस की रीपेमेंट करनी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक यहां पर फोटो बनाइए और मुझे बताइए एक्स एक्सिस में मैं अगर मेथड्स ले लूं, मेथड्स ऑफ टंडन कमेटी, जैसे मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, और यहां पर ले लूं, यहां पर ले लूं एमपीबीएफ, तो मुझे लगता है पहले मेथड में एमपीबीएफ हाईएस्ट था, दूसरे में थोड़ा सा कम हो गया और तीसरे में तो और कम हो गया। मैं इस तरह से इसकी रिलेशनशिप डिफाइन कर सकता हूं। तो ये जो मेथड है लिबरल है, ये मॉडरेट है और ये टाइट है। तो तीन मेथड्स आज हमने कर लिए हैं। हमने आज की क्लास में एक नई चीज सीख ली, लेक्चर 3 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, लेक्चर 3 में आज हमने एक नई चीज सीख ली है कि फाइनेंसिंग के लिए टंडन कमेटी की कौन सी नॉर्म्स हैं और हमें कैसे फॉलो करनी चाहिए। आज की क्लास में हम तीन बातें सीखने वाले हैं। एक तो पहली बात हमने सीख ली है, अब एक दूसरी बात सीखने वाले हैं जो बड़ी कीमती है। बस वो दो बातें बतानी है, उसके बाद आपकी डाउट्स लेनी और क्लास धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाएं। इसका अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आप घर में करेंगे, 9th क्वेश्चन में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9th, हेडिंग लिखी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो / फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। ये कंसेप्ट नंबर 18 है, अभी तक आप 17 तक लिख चुके हैं, अभी ये कंसेप्ट मैंने बताया नहीं है। मैं चाहता हूं इस कंसेप्ट को करने से पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे बताएं इस क्वेश्चन को जो आप पढ़ रहे हैं, जूही चावला वाले क्वेश्चन को, इसमें आपको क्या क्या नई नई बातें दिख रही हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी थी। जूही चावला पहले पढ़ लीजिए सभी, जूही चावला 9th है और 1 से लेकर 8 तक नॉर्मल क्वेश्चंस जो थे, जूही चावला और 1 से लेकर 8 तक जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, क्या क्या डिफरेंस है। देखिए पहली लाइन में अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो आज तक आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, आपको वहां पर कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दी हुई थी और इसमें पहली चीज है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है। अभी हमें नहीं पता क्या होती है लेकिन फिर भी डिफरेंस देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखें तो कुछ और डिफरेंस दिख रहे हैं क्या, और कोई डिफरेंस दिख रहा है? पूरा क्वेश्चन पढ़िए और देखते रहिए। एक आखिरी लाइन में एक चीज और लिखी हुई है, सेफ्टी मार्जिन। आज तक आपने क्वेश्चंस किए उसमें ना तो सेफ्टी मार्जिन था ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था। अच्छा आज तक आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, मैंने आंसर के बाद बड़े सारे नोट्स लिखे हैं। देखिए नोट नंबर 1 से लेकर नोट नंबर 8 तक दिए हुए मैंने, 1 से लेकर 8 तक नोट लिखे हैं मैंने। इतने सारे क्वेश्चंस कराए उसमें नोट जितने सारे नहीं लिखे, इसमें सबसे ज्यादा लिखे। आप देखिए बहुत सारे नोट्स लिखे, फिर ये करेंगे, फिर नोट 2, फिर नोट 3, ये सारे मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है जी। दो दो डिफरेंस दिखे गए, तीन डिफरेंस क्या दिख गए, इसमें बड़े सारे नोट्स हैं, इसमें नोट्स पहले वाले में नहीं थे, बड़े सारे नोट्स हैं। अब जब बड़े सारे नोट्स होंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, नहीं तो मेरे को इतने सारे नोट्स देने की जरूरत क्या पड़ती, ठीक है। आप मुझे इतना बता दें फिर हम कंसेप्ट लिखकर आगे चलेंगे। आप बताइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कोई बच्चा फॉर्मूला बता सकता है तो बता दें। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सबको मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अच्छा ये भी बता दें कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से,
तो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बता दें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है प्रॉफिट, वो कौन सा प्रॉफिट होता है? अच्छा इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कोई डिफरेंस होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें डेबिट होती हैं? परचेजेस, वेजेस, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स तक। ऑफिस ओवरहेड्स यहां डेबिट होते हैं और सेलिंग ओवरहेड्स यहां डेबिट होते हैं। यहां पर क्या डेबिट होता है? अप टू फैक्ट्री तक, जो भी फैक्ट्री तक है, प्रोडक्शन तक है, वही होता है। यह बात तो पता ही है। दूसरी बात एक और बता दें, ट्रेडिंग अकाउंट जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने बहुत सुना होगा, कॉस्ट अकाउंट्स में कोई ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट की बात नहीं होती। कॉस्ट अकाउंट्स में तो खाली एक शीट बनाते हैं जिसका क्या नाम है। अच्छा कॉस्ट अकाउंट्स में हम ग्रॉस प्रॉफिट अलग से निकालते भी नहीं है, एक ही प्रॉफिट निकालते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में अलग से निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, बोलो हाँ या ना तो बोल लो। ठीक है, बस यही बात आपको छोड़ी थी बतानी है। आप क्या करें, पहले कंसेप्ट नंबर 18 फटाफट लिख लें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ऊपर मैंने एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट नंबर 18, जिसके ऊपर हम ये क्वेश्चन करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 9th। तो आज का कंसेप्ट नंबर 18 आपकी झोली में ये रहा, हेडिंग लिख दी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।